शुभकामनाएं जो है वो जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, कंग्रेचुलेशंस लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जम्मू कश्मीर से अगर आप हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। शीतल देवी की अगर बात करें, राकेश कुमार की अगर बात करें, पैरा ओलंपिक्स में उन्होंने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के साथ साथ समूचे देश को जो है गर्व महसूस करवाया है, प्राउड फील करवाया है। जी हाँ, इस समय पैरा ओलंपिक्स चल रही है पेरिस के अंदर और ओलंपिक्स के बाद दूसरा जो है ये खेलों का आयोजन किया गया है। और पैरा ओलंपिक्स की बात करें तो आर्चरी में हालांकि शीतल जो है अपने सिंगल इंडिविजुअल्स में जो है उन्हें थोड़ी सी निराशा हासिल हुई, लेकिन अभी अभी जो खबर है क्योंकि कल के दिन जो है वहाँ पर मिक्स्ड डबल जो रहता है जिसमें महिला और पुरुष दोनों जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें तीरअंदाजी में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है उस पर जो है वो जीत हासिल कर ली है। भारत की शीतल देवी जिनकी उम्र मात्र 17 से 18 साल है और राकेश कुमार जो है दोनों ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में सोमवार की बात करूँ तो मिक्स्ड जो उनका कंपाउंड रहता है उसमें ओपन तीरंदाजी जो कंपटीशन है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। इस जोड़ी ने इटली के एलोरोना सार्टी और माटेओ वैसनीना जो है उन दोनों के खिलाफ एक रोमांचक मैच में 156-155 के स्कोर के साथ एक अंक से जीत हासिल की। भारतीय आर्चर्स की अगर बात करें तो अंतिम सेट में वापसी करते हुए 4 परफेक्ट 10 लगाए और पदक हासिल किया। भारतीय जोड़ियों ने इस दौरान 156 के पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की। 17 साल की उम्र में शीतल देवी इतिहास में भारत की सबसे कम उम्र की पैरा ओलंपिक पदक विजेता बन गई है। वह पेरिस 2024 में एकमात्र बिना हाथ वाली महिला तीरंदाज थी और वही 39 वर्षीय राकेश कुमार के लिए उनका पहला पैरा ओलंपिक पदक शीर्ष स्तर पर वर्षों की निरंतरता के बाद आया है। वह पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन पैरा गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता हैं। जब राकेश कुमार बूढ़े माता पिता की सहायता के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रहे थे तभी उन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी जिससे वह कारण वह व्हीलचेयर का सहारा उन्हें लेना पड़ा था। वह डिप्रेशन से जूझते रहे और इस दौरान वह वापसी की यहाँ उन्होंने अपनी जान लेने के बारे में भी सोचा था। शीतल देवी की अगर बात करें तो शूटिंग के लिए अपने पैरों का उपयोग करती हैं। वह फोकोमेलिया की बात करें उनके साथ पैदा हुई थी जो एक डिजीज का नाम है। ये एक दुर्लभ जन्मजात विकार है जिसके कारण अंग विकसित जो है वो नहीं होते हैं और अविकसित रह जाते हैं। स्थिति के परिणाम स्वरूप उनकी भुजाएं पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई। शीतल और राकेश ने क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के दोनों खिलाड़ियों को 156-143 से जीत हासिल की थी। भारतीय जोड़ी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ शूटआउट में सेमीफाइनल हार गई थी और वह दोनों टीमें 152 के स्कोर पर बराबर पर थी। पैरा ओलंपिक खेलों में इतिहास में तीरंदाजी में जिससे भारत का दूसरा पदक है। हरविंदर सिंह ने टोक्यो 2020 पुरुषों में व्यक्तिगत रिकर्व्स में बात करें तो ओपन जो कंपटीशन था उसमें कांस्य पदक जीता था और वही भारत का पहला पैरालंपिक पदक जीता। इससे पहले शीतल देवी महिलाओं के व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में अगर बात करूं तो राउंड 16 में पहुंची थी और वह वहां पर उनके शुरुआती दौर में ही उनकी जो है वो बढ़त थी वो वहां से वो हार गई, यहां से उनके एक अंक से हार मिली थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने दोनों ने मिक्स में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह से देश का नाम और जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो गर्व उन्हें महसूस करवाएंगे और ऊंचा करते चले जाएंगे। तो के साथ शुभ लगे बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।